आज हिंदी मूवी धड़क का मिनी रिव्यू और दो जो प्रोडक्ट मेरा करंट फेवरेट है, एफोर्टलेस प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली मेकअप रिलेटेड, मैं उस दो चीज़ का रिव्यू करूँगी। और मेरा जो करंट फेवरेट लिपस्टिक है, जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड मेन बात बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आज इसी बारे में मेरा वीडियो रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम व्यू एंड वेलकम टू माय चैनल प्यूज़ व्लॉग। आज मैं गई थी साउथ सिटी और साउथ सिटी में मैंने आज देखा धड़क फिल्म। धड़क फिल्म में मुझे जो दो कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बना है, जाह्नवी एंड ईशान, जाह्नवी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिखी। उनका जो बात करने का तरीका है या कुछ है, उतना ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट नहीं लगा। पर यस, शी इज़ रियली ब्यूटी, शी इज़ रियली अ ब्यूटी क्वीन। और उसके ऑपोजिट ऑपोजिट में जो थे ईशान, वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब टच ऑफ शाहिद कपूर, मुझे यही लगा कि वो जो पहले पहले वाला शाहिद कपूर था, वही शाहिद कपूर वापस आ गया एक दूसरा चेहरा लेके। एकदम कैरेक्टर में घुल मिल गया था। एक्सेंट या प्रोनंसिएशन या कैरेक्टर या ड्रेसिंग सेंस जो कैरी कर रहे थे और कैरेक्टर में पूरा घुस गए थे, तो मुझे ईशान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। काफ़ी सारे दोस्त और मेरे हस्बैंड इवन बोल रहे थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी धड़क फिल्म देखने की, एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मतलब एक तरह से काफ़ी हद तक हम लोग सभी गेस कर चुके थे कि क्या होगा इसका एंडिंग। मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि जो लोग देखने जाएंगे मुझे बहुत मन ही मन में कोसेंगे, सो मैं ही बताऊंगी इसका एंडिंग क्या होता है। लेकिन जो भी एंडिंग होता है, जो भी एंडिंग हुआ है मूवी में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मतलब सेंटेंस में मैं बोलूँगी तो, अगर आप खाली एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो धड़क इज़ ओके, बट एक अच्छा मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो है मूवी, और तो दैट फिल्म इज़ नॉट योर काइंड ऑफ। तो मैं आज दो दो जो चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, वो क्राइलॉन का प्रोडक्ट है और वो दो चीज़ है। एक तो है ये डार्मा का, सॉरी क्राइलॉन का डार्मा कलर, जो कि आता है करीबन 1 सेकेंड, 4 ग्राम, 4 ग्राम की छोटा छोटा सा डब्बा में। आपको लगता है कि पीयू इसमें क्या यूज़ करेगा, उसको इतना बड़ा फेस है। तो गाइज, मैं 1.5 मंथ से ये यूज़ कर रही हूँ ओकेशनली पर्पस, और वीकेंड में तो यूज़ होता ही होता है, तो इतना सा मेरा खाली खाली हुआ है। इसका प्राइस है 750 रुपीज़, और 1 रुपये भी मेरे इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि भैया बोल रहे थे प्रोफेशनल प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है, डॉट डॉट करके आप लगा लो, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर हो हाथ से मत कीजिए, क्योंकि हाथ हाथ में उसमें अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होता है। कोई भी ब्यूटी पफ ले लो या ब्यूटी ब्लेंडर ले लो या ब्यूटी ब्रश ले लो, उससे आप अच्छी तरह से ऐसे स्किन में पुश करते जाओ प्रोडक्ट को, बस ये लगा लो, आपका काफ़ी हद तक कवरेज भी देगा और एक शाइनी शाइनी ग्लोई भाप भी लाएगा आपके स्किन पे। और दूसरा जो है क्राइलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि है 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपीज़, और ये है 60 ग्राम का, बहुत बड़ा डब्बा है। मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं कब ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा ख़त्म करते ही मेरा एक और एक प्लान है, और एक ट्रांसलूसेंट पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लेने के लिए। ये काफ़ी बड़ा है गाइस, ये 60 ग्राम का है, जो मेरा चिन कवर करती है, एस कवर करती है, कभी कभार हाथ में भी लगा लेती हूँ, मतलब जो भी आपका खुला हुआ पोर्शन है वो सेम सेम दिखना चाहिए, इस हिसाब से मैं ये यूज़ करती हूँ। ये पता नहीं गाइस कब ख़त्म होगा, बहुत बड़ा सा डब्बा है, और इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत सारा उड़ेगा। इसका थोड़ा सा ऐसा है और आपका आसानी से, बहुत आसानी से निकल जाता है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो, 1 मिनट गाइस, ये है इसका
स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। और स्किन में देखिए तुरंत ही एक ऑयल गायब हो जाता है और एक गोरापन आपके स्किन को, एक फ्रेश निखार आपके स्किन को देता है। ये भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर पफ की मदद से लगाती हूँ और ये दो प्रोडक्ट है और इसका स्वाचिंग मैं दिखा देती हूँ गाइस। इतना छोटू सा मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ओके गाइस देखो कितना जल्दी ब्लेंड हो गया है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये 750 रुपये का है और वो है ट्रांसलूशन पाउडर क्रायलॉन का जो आता है वो है 1200 रुपये का। आपको सभी के मतलब हर किसी शॉप में नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, किसी किसी शॉप में ही आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट। और मैं जो एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, माय करेंट फेवरेट लिपस्टिक ये, यस ओ माय गॉड यस, दिस इज़ लैक्मे, दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड इट्स कॉल मैट स्टिक इन्फ्यूज्ड विथ एलोवेरा जेल। काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, मैंने स्वॉच किया है पहले से, मैं टेस्ट कर रही थी कि हाथ पे कितना देर रहता है। मतलब ये मैंने पानी दिया, मैंने आके हाथ धोया हैंड वॉश से। मैं बाहर से कभी भी आती हूँ घर में तो पहले मैं अपना पैर धो लेती हूँ और तुरंत ही बाद अपना हाथ हैंड वॉश कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पर स्वॉच दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैंने हाँ यहाँ पर मैं स्वॉच दिखा सकती हूँ। ये 1 स्वाइप एंड दिस इज़ 2 स्वाइप। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी ये होठों पे कैसे लगता है। गाइस मैंने लगाया हुआ था उसके ऊपर मैंने लगाया क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ और मैंने ये मेरा करंट फेवरेट प्रोडक्ट है और मैंने ये डाल के गया था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी क्योंकि लिपस्टिक के साथ मेरा जन्मों जन्मों का दुश्मनी है और इसी दुश्मनी की खातिर लिप्स पे मेरा लिपस्टिक नहीं रहता है। सो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ट्रांसलूशन पाउडर ले लेती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर या ब्यूटी पफ में और एक्सेस जो है मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ एंड इसी तरह से आप लगा लो। गाइज ट्रस्ट मी ये 8 से 10 घंटा तक टस से मस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपके लिप कलर को, ये स्मच नहीं करेगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा और सबसे बड़ी बात है ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो मेरा हैंड वॉश देने के बाद भी मैंने यहाँ पर स्वच किया था और ये मैं पहले वाला स्वच किया था, मैं देख रही थी एक्चुअली हाथ पे टेस्ट करके, तो इसमें काफ़ी देर तक ये वाला रहता है। और मैंने आज प्लेन एक टॉप डाला है, कैसा है गाइस बताना। ये टॉप मुझे तो बहुत प्यारा लगता है ये टॉप, और मैं बालों को कुछ नहीं करके गई थी, जस्ट आज 11 तारीख को मैंने टेम्पररी क्रम्पिंग किया था अपने बालों में, आज है 21st। लाइक मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कब अपने बालों में शैम्पू करोगे क्योंकि उन लोगों को बहुत स्मेल आ रही थी मेरे बाल से। एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगराज ऑयल और उसका भी मैं छोटू सा रिव्यू करूँगी, तो उसका स्मेल बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक टाइप का है तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं ही उसको मतलब एकदम अच्छा है इसीलिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे को उसका स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने आज शैम्पू किया है, बस शैम्पू किया है, मैंने कंडीशनर सरम कुछ नहीं डाला है अपने बालों में क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह को बाहर गई थी काम से और वापस आई 3 बजे, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर घर का पूजा था, फिर लंच वगैरह भी करना था, तो हम लोग सुबह सुबह थोड़ा सा निकले थे और वापस आते आते 3 बज गया, तो हम लोग काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। फिर हम लोग निकले 6 बजे घर से क्योंकि 6:50 का मूवी था धड़क का, तो हम लोग गए बहुत दिन बाद मूवी देखने, मतलब अकेले तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस हम मैं और वो, तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिए और आज कहीं नहीं गए, वापस तुरंत घर आ गए। घर में बना हुआ है
बूटे दाल मतलब छोला जो होता है उसका दाल बना हुआ है, पूरी बना हुआ है। मेरा जो सुबह मेड आती है, आज वो आई थी और आज वो बना दी। आज भी थोड़ा सा खीर बना है, चावल का ही खीर बना है। तो बस हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, बात करके और मैं अपना मेकअप उठाऊंगी, थोड़ा फेस वॉश करूंगी, उसके बाद बस हम लोग टीवी देखेंगे। पेन ड्राइव में मूवी है, पुराना वाला मूवी है कुछ, श्रीदेवी का या चांदनी देखने का हम दोनों का बहुत मूड है, तो हम लोग चांदनी मूवी देखेंगे। फिर उसके बाद हम बाहर के जो सोफा कम बेड है उसी में हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग का सोने का बेडरूम जैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग का जहाँ पर सोने का मन करता है बस हम लोग वहीं पर सो जाते हैं। सो मैं वो आज डिसाइड की है, मैं तुरंत ये व्लॉग बना के उठ के कॉफ़ी बनाऊंगी। काफ़ी देर हो गया है गाइस, पर मैंने आज शाम से कुछ चाय कॉफ़ी नहीं पिया है, थोड़ा सा पियेंगे उसके तुरंत बाद खाना गर्म करूँगी, और खाना गर्म करके मैं अपना फेस वॉश करके वो भी शावर लेंगे। फिर अपना आज का दिन तो ख़त्म हो गया, कल एक नए वीडियो के साथ। और गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एनिवर्सरी का डिनर का ब्लॉग बनाऊंगी, पर मैं नहीं बना पाई क्योंकि कुछ रीज़न आ गया, क्योंकि हम लोग को नीचे जाते जाते काफ़ी देर हो गया, उन लोगों का डिनर टाइम ख़त्म हो रहा था, और रूम में वैसा बुफे वाला डिनर तो सब नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सो कीप हेल्दी, कीप वेरी योर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि आप खुद हैप्पी रहोगे, आप खुद खुश रहोगे, अब तो आप दूसरों को खुश रख पाओगे। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।